दान कदरदान उगालदान खुल गई जावेद जाफरी की दुकान। वो सारे जापानी जो अपनी बीवियों के डर से अपने अंदर उभरते हुए जोश के लावे को बाहर नहीं निकाल पाते, वो यहाँ आते हैं, दिल खोल कर अपने मन की भड़ास निकालते हैं और मरम पट्टी वाले, अस्पताल वाले और सिकड़े वाकड़े कॉस्ट्यूम बनाने वालों का खूब प्रॉफिट कराते हैं। आज हम देखेंगे सरकते संपतलाल स्किपिंग स्टोन्स में, डूबते ढुलकिया ड्रैगन लेक और सुकड़ते सुतानु स्क्वेयर स्पेस में। ये है लंगूरी लंकेश्वरों की लंका, ताकेशी कासल। कहे कहे लगाओ मेरे भाई, पानी में घुस जाओ, रस्सी से फिसल जाओ, पहाड़ी से लुढ़क जाओ या गंदे पानी में नहाओ, लेकिन शो डाउन में पहुंच जाओ। जनरल ने फरमाया, ईगे का हुक्म सुनाया और 100 नटखट फटाफट दौड़ पड़े द ग्रेट वॉल की तरफ और निकल पड़े ये 100 हेलमेट अपने अपने अंदर 100 खिलाड़ियों को फंसाए हुए। इन सब को पार करनी है ये दीवार, जिनको नहाने का वक्त नहीं मिलता वो भैया लोग यहाँ आगे, और जो नहा कर आए हैं वो आगे नहाने की तैयारी कर लेते हैं। नहीं समझे? ये देखिए किस तरह, जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर है उनके लिए ये गेम बहुत फायदेमंद है। दूसरों को ऊपर जाते देखकर इतनी टेंशन होती है कि प्रेशर बढ़ जाता है और खिलाड़ी जोश में ऊपर चढ़कर दीवार पार कर जाता है ना। हाई ब्लड प्रेशर वाले भी इससे बहुत फायदा उठाते हैं क्योंकि खुद नीचे आते हैं और प्रेशर को भी डुबकी लगवा देते हैं। जापान में कपड़े बहुत मजबूत सिलते हैं जो आप देख ही रहे हैं। अब यहाँ कुछ छिछोरे बचे हैं, ये देखिए, जो यहीं से घर लौट जाएंगे और जीतने वाले खिलाड़ी जाएंगे स्लिप डिस्क। और ठुसकी बॉम्ब छोड़े, मच्छर भगाओ धुआं और मच्छर भाग निकले, मतलब खिलाड़ी इनको अपनी रिंग बजाते हुए इस दीवार पर चढ़ना है। काम आसान है अगर सामने शाही गार्ड न हो तो। बल्ले का नाश मिटे न, खुद खेलते हैं न दूसरों को खेले देते हैं। ये देखिए कीड़ों की तरह, यार किधर चुप चुप के कैमरा लगाता है, इधर देखो। और ये देखिए अच्छा चल रही है बाजार, अरे मुझे मार दी, मैं कहाँ मार रही है, कैमरामैन के ऊपर पिचकारी राइट चोपड़े में। और देखिए ये पहुंच गए काफी लोग आगे, ये क्या कर रही है। और एमरल्ड गार्ड नाकामयाब और स्क्वायर मेज में देखते हैं कौन कामयाब होगा। सीटी बजी जनरल ली की और पीटी करने आ गया। ये तो लाल जितेंद्र, जीतू है मेरा नाम और जीतना है मेरा काम। आ मेरे हम जोलिया खेले आंख मिचोलिया, गलियों में चौपारों में नारायण नाम। अगला कबूतर रवाना, देखते हैं क्या इसका फसाना। दरवाजा खुला और मैदान साफ देखकर सीधे चल पड़े, ये आगे तो कंजू, पीछे कंजू, पीछे तो ये आगे। कबूतर ने मारी दौड़ लेकिन रास्ता बंद, लेफ्ट की बजाय राइट टर्न मार दिया और फंस गए। अब ये बिना किसी रोक टोक के घूम सकते हैं अफ्रीका के जंगलों में। अभी अंदर जाने का जापान का टाइल, इसका क्या होएगा आयल, बेबी क्लेवर, वेरी क्लेवर, गंगराजन गंजराजन ढूंढता, बेबी स्मार्टली बचता, वो रन किया और मुत्तखोरी खवाड़ी अड़ा गंजराजन का उधर खड़ा। ओ पटलाल, अब देखते हैं क्या होगी इसकी चाल। अरे भागते भूत की लंगोटी, अरे किस्मत है कोटी, अबे लेफ्ट मार के बना मोहन चोटी, अब घर पे जाके खा रहा डबल रोटी। अगला खिलाड़ी बहुत ही सावधानी दीवानों की दार सुनकर भागे मगर सोए हुए भाग नहीं जागे। राक्षस ने दबोच डाला और कर दिया मुंह काला। स्क्वायर मेज में मिस्टर मिराज अंदर आते ही तान झांक शुरू। ए भाई, तू छोकरी लोग के हॉस्टल में गोरा बनने वाली क्रीम चुराने नहीं है, मेज पात करने आया है।
आदि मानव के दर्शन होते ही भाग खड़े हुए, सही वक्त पर ब्रेक लगाया, आदि की झाड़ सुनकर फिर भागे और सही वक्त पर सही फैसला करते हुए अगला टर्न मारा, फिर एक टर्न मारा और फिर एक टर्न मारा और बजा दिए दोनों सांडों के बारह। पटलाल तो जीत गए थे, अब मिठू रानी क्या करेगी? राक्षस चिल्लाया, मिठू घबराई, राक्षस का शिकंजे में आई और गेम से टाटा बाय बाय। अब ये मामू सॉरी मामी जा रही है अपनी वाट लगवाने। गुड मॉर्निंग जापान बोल के अंदर घुसी। टकला मामू कोपसी में खड़े रह के इंतजार कर रहे हैं। ये मामी ने स्पीड पकड़ी और टकला पीछे लगा, लेकिन मामी तो बाहर निकल गई, मामू को ही मामू बना गई। ये गेम तो है वैसे भी सही दरवाजे खोलने का खेल, लेकिन रास्ते में हो जाता है गलत लोगों से मेल। चल भाई तेरा तो निकल गया तेल, अभी होगा इज्जत का सेल इन ब्रिज बोर्ड। इंडिया में है लक्ष्मण झूला और ये टोक्यो में है कावासाकी झूला। ये झूला जो है बड़े बड़े को देता है रूला। तो ये क्या, अरे चार्ल्स डार्विन को मिल जाएगा तो मिसिंग लिंक हो जाएगा। ये बंदर से इंसान कैसे बना, ये कहीं रास्ते में भूल गए और प्रोग्रेस नहीं किया इन्होंने अपनी बंदर की। अरे गया, निकल बंदर भी नहीं इंसान भी बीच में। और ये एक और अति मानव चाल ले किया इनको बेहाल। ये लगता है फेवरेट, यहाँ की कोई फेवरेट चाल है, सब यही ऐसे भरे। अरे ओहो लंगूरिया मुद्रा, और काफी अच्छी मुद्रा का इस्तेमाल हो रहा है। अरे क्या बात है, लंगूरी लगता है मार क्या है आपको बंगूरी। उल्टे लटके और खा रहे हैं खूब फटके, बहुत बढ़िया। कपड़े बदल गए, आधे रास्ते में कपड़े बदल गए, ये तो कमाल हो गया। ओए होए ये एडिटर का कमाल है हमारे, उनको माफ कर दीजिए प्लीज। चार दिन से सोया नहीं है और बहुत चीजें खोया नहीं। अरे गुलाबों को भी खूब फटके पड़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा गुलाब वो है गुलाब वाह है हो जाती है यहाँ पे। तो लड़की लड़का समझ में ज्यादा आता नहीं है, बोल देना चाहिए लिख देना चाहिए नाम मुझे। लेकिन दमदार है ये टोक्यो वाले, अपने बच्चों को कौन सी चक्की का आटा खिलाते हैं। सर ये आटा नहीं खाते हैं लोग, सुशी खाते हैं। अबे सुशी खाता है वो बच्चा तो सुशी निकल गया। लगता है आज घुटना टेक दे है, जिसे देखो घुटनों के बल चला रहा है। लो बिना फटके ही नीचे आ गए। नाकाम कोशिश मत कर मुन्ना, पतली गली पकड़ ले और घर को निकल ले। आज काउंट तकेशी शाही गार्ड्स को चुन चुन के इनाम देगा। जवान बड़ी हिम्मत के साथ लटका हुआ है, रास्ते में अटका हुआ है। मैं कहे लाल पिट पिट कर पीली शर्ट के अंदर भी लाल होता चला जा रहा है, और अगर इसी तरह पिटता रहा तो थोड़ी देर बाद शर्ट के साथ साथ चट्टी भी पीली हो जाएगी। कम ऑन कम ऑन डोंट गिव इट अप। ऐसे टपक गया जैसे नाक से सेंबर, बत्ती सी तोड़ के रख दूंगा तुम्हारी। यार ये सब उल्टी क्यों चल रही है, तो उल्टी गंगा बह रही है पूरी। लेकिन आई थिंक समझदारी यही है, क्योंकि ऊपर बैलेंस बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। तो ये लेकिन बेचारे कोई पार नहीं कर पा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जियो मेरे लाल खूब खा रहे फटके, घर पे जाके लेना खूब मिर्गी के झटके। यार जितने भी पार्टिसिपेंट से लगता है इन्होंने जिंदगी में कोई सीधा काम किया ही नहीं। छोड़िए देखते हैं रापची ग्रिल पे, ये देखिए छप्पू सर पे पड़ा टप्पू और बन गया लप्पू। फिलहाल अपनी नैया का चलाते हैं चप्पू और आगे आप देखेंगे कैसे धोखा देते हैं अपने ही नैन, और कैसे फालूदा करवाता है अपना सुपरमैन। पिच पेड़ मुद्र ना पड़े पोटे आ पड़िया ब्रेक बम बम स्वागतम, और चलते हुओं को लिटाने आ गए हम। मुहूर्त करते हैं स्किपिंग स्टोन से।
जनरल ने बुलाया और ये तो भूत चला आया। पर भैया ये काउंट तकेशी की नगरिया है जहाँ बड़े बड़े सूरमा हो चुके हैं ढेर और भूत न कभी फिसल गया पेर। ओहो ब्लू बास, अरे निकल गई सांस। ओ नेक्स्ट है तीन रंगी, तेजी से आया और अरे मस्ती दुर्वाई और तेज से गया। अगला खिलाड़ी एक दो डुबुक पलटी और घर पलटी। फिर से देखिए, बचने की पूरी कोशिश की पर नसीब में लिखा था देखते हैं तोड़वाती है कौन सी अपनी हड्डी। टूटी टांग और पानी तक को उबाल आ गया टांगे। ये लग रहा है कोई सियाना बोरे पर गर्दे बगे बच गया, बहुत संभाला। पानी उछल उछल कर इनको बुला रहा है मगर ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। लगता है इनकी नैया पार हो सकती है। अरे किनारे पर आकर डूब गए, सारी मेहनत बेकार। ये है मिस छुई मुई, दो कदम चली। अगला तेजी तेजी के साथ आगे बढ़ा, लड़खड़ाया मस्ती अटुरवाई मगर दांत बचाए और लौट के बुड्डू घर को आए। पार किया आगे बढ़े नॉक नॉक की तरफ, हेलमेट से मारा हटोड़ा, सर को फोड़ा। रिप्ले देखिए, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा और घोड़े की सर पे जो मारा हथौड़ा। मिस्टर रेड ब्लैक एंड ब्लू हाउ आर यू। ओहो पानी की धार से घबराए जगमगाए और पीठ के बल इनू है 34 नंबरी। क्या उड़ी मारा भाई, ऐसा लग रहा है जैसे इनू सारी दुनिया पे एहसान कर रहे। देखते बाएं और जाते दाएं, इतना सोच सोच के आगे बढ़ रहे जैसे शादी करने को जा रहे हो। एक और पत्थर पार कर लिए, लोग फूक फूक के खत्म रखते, 34 तो मुहूर्त देख देख के खत्म रख रहा भाई। पोटा सही जा रहा, मुझे लग रहा पाशु पार कर जाएगा। अब क्या करते हैं मियां, लेफ्ट को जाते हैं कि राइट? इसलिए आप किया और इन्होंने स्कीपिंग स्टोर पार कर लिया भाई। अब क्या गुल खिलाते, फाड़ डाले भाई पहला दरवाजा। अब घूम घूम के देख रहे मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, और दूसरा भी फाड़ को निकल लिए। अगारे वैगन खिलाते भाई। सुनंदा को सुनने की आदत है, दो कान काफी नहीं तो उन्होंने दो एक्स्ट्रा लगा लिए, पर ये सुन ही गया। अरे फिलहाल को आपने इनकी चीख सुनी, जेजे का सवाल, इनकी टांग टूटी, कवर टूटी या दोनों? यस सर, अरफा। मिस्टर पिंक पजामा तेजी से आए, हिरनों की तरह कलांचे भरते हुए आगे बढ़े और तोड़ डाला। था टूटा या पसली? नेक्स्ट कंटेस्टेंट स्किपिंग स्टोन्स में स्किप होने निकल पड़ा, पत्थर डूबा मगर बच गया अजूबा। दोबारा उठकर आगे बढ़े, दोबारा गिरे, दोबारा बचे, मछलियां को रचवा के आगे चला और ये दोबारा गिरा। अबे डूबी हुई नैया के तैरते चप्पू क्यों कर रहे, आगे क्या इरादा? आओ बेटा जी, इरादा नहीं सर में बुरादा है, इसलिए गद्दे पे लेटा नहीं, सर पे कराया पीछे आया और गद्दे पे लेट गया। आओ लालिता हो गया मेरी इज्जत का पलिता। अब फिलहाल देखते हैं जीजे का रैपचिक रिप्ले। ये है देखिए मिस बग्स बनी, who is actually very funny and let's go to the dragon lake honey। शुभारंभ करेंगे पोपटलाल, रस्सी पकड़ कर झूला लेता आया पोपटलाल और पटापट करके छपा। बोलो पांडे जी की जय। चट्टानों को पप्पी की कीचड़ से मुंह धोया और अपनी किस्मत पर रोया। गेंडा नंबर 75 लिया झूला, रास्ता भूला और ठंडा पड़ गया इसका चूल्हा। ओ मिस्टर नारंगी, अबे हवा मत कर रही हो, अबे पड़े हो गई इनकी जीत मगर दो दांत तोड़ा गया। लाल बाबू अभी पैर उठाया मगर हाफड़ा नहीं पहुंच पाया, डूब गया बोका कीचड़ तड़ में। ओ ये श्रीमाना है ओकी नावा से, आवा हो आवा और किचन नहा के जावा। जश्न बद्दूर, अब ड्रैगन लेक पार करेंगी मैडम सुमति। मिस्टर तंगराज ने पुट्टू राज ने वेंकट बच्ची मुत्तु, अयो लटका थोड़ा दो जोर लगाने जी, नीचे से नहीं ऊपर से जोर लगाना, ऊपर आना नेक्स्ट राउंड में जाके धुलाई कराना। अरे हवा में बाहर हेकड़ी निकल गई सारी। अबे रिप्ले की बारी,
अरे हीरो बनने चला था बुरारी। ओए आओ जी सुपरमैन। ये तो सुपर आदमी है, इसको तो जीतना ही जीतना है। झूला लिया देहोर। ओए ओए की होया यार, है सुपरमैन तो बन गया गोबरी कीचड़ मैन। कोई डुप्लीकेट चलो हाथ दे। एक और सुरमा चले आए, झूला लिया और कोई फसली का कचूर बनाया और अनपड़े चारों पानी की ओ अंसाली भक्त फ्लैग आगे आए और पीछे आए, आगे आए फिर पीछे आए और पीछे आके नीचे आए और फिर नीचे आए और फिर नीचे आए। पैंड जी की आधुनिक गोबरी कीचड़ की लताई पुताई और चटाई खूब कर ली और निकल पड़ा लाल लपंचू। अब ये भाई साहब आए और ये भाई साहब गए। गोबरी संभाल ले मालूम। शरबत पिया। एक नई कहावत जे जे के रापची क्रीपले में। कहावत है कि लौट के बुद्धू घर को आए, मगर यहाँ है लौट के बुद्धू कीचड़ खाए। हाय हाय हाय। अब फिल गार्डन तो शाही गार्ड्स की तैयारी शुरू। मुकाबले में अब सिर्फ 18 खिलाड़ी बचे हैं। शाही गार्ड्स अलग अलग रूप बनाकर आए हैं। कोई प्लेन है, कोई टैंक है, कोई पत्थर है, कोई मिसाइल है, कोई बेमिसाइल है। एक एक नमूने। ओ 16 नंबर का जूता, मेरा जूता है जापानी। और ये आलू इंग्लिश डफली वाले डफली बजा। ओ 4 पैक वाला कॉकरोच, क्या बात है। गार्ड ने मोर्चा बंदी कर ली और उसके साथ ही हमला शुरू। आज वन बाय वन नहीं, सामूहिक मुकाबला होगा। खिलाड़ियों को अपने रिंग्स बजाते हुए नीचे से ऊपर जाना है। तेजी से आगे आया ढोल, मगर क्या हुआ, खुल गई इसकी पोल। रिंग फवा बैठा अपना। खिलाड़ी पिचकारी आक्रमण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ये जूता फिसल गया, जिसका जूता उसी के सर। और यहाँ थैंक यू वेरी मच। और ये कॉकरोच के दिल में दर्द डिस्को। शायद इसके पेट में गड़बड़ है। टैंक ढाल बनकर कॉकरोच के सामने, ढोल ने मारी पलटी, पत्थर हुआ कल्टी और टैंक को चोट आई मल्टी। और ये खिलाड़ियों की खत्म हुई होली और ऊपर पहुंच गई टोली। लेकिन फिलहाल जेजे के रापची क्रीपले में एक सवाल, किसने फेंका था ये केले का छिलका। और अब एक नजर अभी तक के स्कोर पर। कोई नॉकआउट, कोई रिटायर्ड हर्ट, किसी ने मारी बाउंड्री, कोई लेग बिफोर वाटर, कोई क्लीन होल्ड, कोई कैच ड्रॉप, कोई कैच हुआ, कोई रन आउट। 100 खिलाड़ी आए थे मगर वो एक एक करके आउट होते चले गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ताकेशी के यमदूतों से टक्कर लेते रहे और एक एक करके अपनी कुर्बानी देते रहे। लेकिन फाइनली आ गई है फैसले की घड़ी, यानी के शो डाउन। स्टोरी विजेता जमा हुए, जनरल ने ऑर्डर दिया और हमला शुरू। 6 फाइनलिस्ट हैं जो पीले टैंक्स पर सवार हैं। गुलाबी टैंक्स में हैं शाही गार्ड्स। गार्ड्स ने फैलकर टैंक्स को घेरा, हमला शुरू हुआ और ये अरे बाप रे अपनी पिचकारी से अपना रिंग फाड़ बैठा। ये कमांडर का टैंक बढ़ता हुआ तेजी से आगे। आज रास्ते में पत्थर भी हैं जिनसे बचकर निकलना होगा, वरना आपका निशाना चूक सकता है। मिस्टर ऑरेंज का रिंग फटा और यहाँ 2 रिंग्स फट गए। कमांडर का निशाना टकाटक लग रहा है। इनकी धार, गन की धार काफी लंबी है। खिलाड़ी ने निशाना लगाया मगर चूक गया। कमांडर का टैंक मुसलसल आगे बढ़ता रहता है, इसीलिए उस पर निशाना लगाना मुश्किल हो जाता है, जबकि शाही गार्ड्स खिलाड़ियों के टैंक को रोककर आसानी से निशाना लगा सकते हैं, बना देते हैं।
क्या खिलाड़ी इस रणनीति को समझ पाएंगे? मेरे पास कोई वर्ड नहीं है इसलिए मैं टेंटन करता जाऊंगा। ओके समझ लो आप। लो भैया कुछ हो गया, लगता है कुछ हो गया। क्लोजअप में दिखा रहे, लॉन्ग शॉट दिखा ना भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा, लगता है कुछ हो गया। हो गया सुधा, यहाँ टॉयलेट भी नहीं है, दो घंटे से रोक के रखा है। सुधा आ रहा हूँ तुम्हारे पास। सुधा लोटा तैयार रखो, भर के आ रहा हूँ मैं। ए भाई बहुत जोर की लगी है भाई। हाँ सही कह रहे हो, दो नंबर आया है, मुझे भी भाई तुम भी कर लो।